ये जो पावना बचन आप जी ने सरवण कीते ने अज असी भाई गुरदास साहब जी की ये तीसरी बार आरंभ करने जा रहे हैं। पहली पौड़ी का पाठ आप संगत ने सरवण कीता और स्क्रीन के उपर आप दर्शन कर रहे हो। भाई गुरदास साहब जी ने यह तीसरी वार की गुरमुखों आरंभता करद उस वाहेगुरु परमेश्वर जी का और सच्चे सतगुरा जी का नमस्कारात्मक मंगल जिहड़ा है वो कीता है। नमस्कारात्मक मंगल हुंदा है परमेश्वर सतगुरा नू नमस्कार करदिया होया उहदी सिफत सलाह शोभा दे विच कहे हुए बचन। मंगल दा अर्थ सिफत सलाह दे विच कहे हुए बचन ही हुंदा है। तो भाई गुरदास साहब जी इस पावन पहली पौड़ी के अंदर परमेश्वर और सतगुरां जी की महिमा नूं बयान करते हैं। पहला बचन करते हैं आदि पुरख आदेश आदि वखाणिया। आदेश का अर्थ हुंदा है नमस्कार। दो शब्द ने एक है आदेश एक है आदेश। आदेश हिंदी ला के बोलांगे तो अर्थ बनेगा हुक्म ऑर्डर। आदेश नमस्कार ये जोगियां दी भाषा का शब्द है जी। जोगी एक दूजे नूं मिलदे ने ते चौके आदेश आदेश पुकारदे ने नमस्कार है नमस्कार है। गुरु नानक साहिब पातशाह ने अपने पावन बाणी दे विच बहुत थावां दे उपर आदेश शब्द जिहड़ा है वह वरते है और सारियां थावां उत्ते नमस्कार उस अकाल पुरख ने की है। तो भाई गुरदास पहला बचन करते ने आदि पुरख आदेश। हे भाई सब तो पहला उस आदि का अर्थ है मुढ़ तो आरंभता तो जो वो आरंभता तो है वाहेगुरु परमेश्वर उस सर्वव्यापक परमेश्वर नूं आदेश करिए नमस्कार करिए आदि वखाणिया। वखाणिया का अर्थ कहा जाता है वख्याण किया जाता है जिसनों आदि के नाम के नाल वख्याण किया जाता है क्योंकि सब तो पहला तो गुरमुखो वाहेगुरु परमेश्वर ही सी। तीन चार दिन पहला ना एक एक 15 साल का बच्चा सी मैं आदि तो याद आ गया थोड़ा समझो जी। बच्चे होंगे ना उनके सवाल भी बहुत कमाल दे होंगे है। मैं कह लगा बी जी मैं ना ज्ञानी जी थोड़े तो को सवाल पूछना है। 18-19 साल का होएगा बच्चे क्लासा में बैठते ने विचरते ने बड़ा कुछ उन्होंने मन में पैदा होंगे। मैं कह लगा ज्ञानी जी भी ये गल सच है भी जेडे सिखा के बजुर्ग से वो सारे हिंदू से। मैं क्या भी बिल्कुल सच है ये कोई दो राम थोड़ा समझो जी बड़े ध्यान। कह लगा फिर यह अर्थ तो ही होया ना भी जेडे सिख ने हिंदुओं विचो पैदा हुए है। मैं क्या भी नहीं क्योंकि इदा के सवाल ना उठते है समाज में। कहता भी क्यों नहीं फिर तुम कहता रहे हो भी बजुर्ग पहला वाले बजुर्ग हिंदू ही होंगे सी। क्या भी खड़ना नहीं है एक थान के उपर
जे आपां एक स्टेप पिछे नूं तुरे आं ते फिर एक ही क्यों तुरे आं, दो चार होर तुर पो होर पिछे चले जाओ। फिर गुरु ने सानूं की सिखाया, आदत शुरू कित्थों करदे ने, गुरु साहिब जी आदतों करदे ने, आद सच जुगाद सच प्रभु तो कर देने ना। फिर असी इत्थे क्यों खड़ जाने हैं, भी सिख हिंदुआ क्यों आए ने, फिर उस तो अगे भी चलो भी हिंदू कितों आए ने, उतों भी अगे तुरो ना, फिर उत्थे को खड़ गए आके उस तो अगे भी चलो। जिमें जिमें कई कहें हूँ मैं नाम विसर गया, उसकी थ्योरी कहती है भी बंदा बंदर चो पैदा हो, बंदर कितों आया, फिर इदा करके। तो कहण का भाव गुरु ने सानू की सिखाया भी आरंभता तक जाना, इदा विचकार जी नहीं खड़ना भी हिंदुआ तो खड़ गया, तो यह भी पता कर लो कितों आई, वो फिर कित होर तो आए हो। शुरुआत तो गुरु नानक साहब ने जो कुछ किया वो आरंभता तो किया, तो आरंभता में गुरु नानक साहब ने कहा केवल एक परमात्मा ही सी, जो कुछ बने है उस परमात्मा को ही बने है, और ये सृष्टि है ये अगे तो अगे अगे तो अगे वधी जानी है। हुण 20-25-50 साल ये भी कहन लग पैणगे भी जिहड़े राधा स्वामी उह सिखां विच्चों निकले है, क्योंकि बापू उहनां दा भी सिखां विच्चों ही सी, कहिं इदां तां सिद्धी लगातार चली जाणी है। तां पर गुरु नानक साहब ने सानू ये सिखाया भी सिख की आरंभता कितों है, आद तो है। उन्हें देखना भी आद विच मुढ विच की सी, शब्द आउंदा ना कबीर साहब दा, तुम जो कह तो नंद सुनंदन, शब्द है कबीर साहब दा, असीं बाणी पढ़न वाले बैठे। तुम जो कह तो नंद सो नंदन, नंद का पुत्र कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण नंद के पुत्र कहे जाते हैं। नंद सो नंदन का कोरे, कहन लगे फिर ये दसो दुनिया के लोगों, तुसी कहने हो भी कृष्ण नंद का पुत्र है, इहदा अर्थ नंद कृष्ण तो पहला है, पिता के पुत्र तो पहला ही है, पर इतने नहीं रुकना नंद तो, नंद पहला कृष्ण को नहीं, यह भी देखना नंद तो पहला कौन सी। तुम जो कहत हो नंद सो नंदन, नंद सो नंदन काकोरे, काकोरे का अर्थ है नंद फिर कितों आया, यह भी तो देखना है ना। धरन आकास दसो दिस नाही, जो धरती भी नहीं सी, आकाश भी नहीं सी, चंद्रमा सूरज तारे भी नहीं थी, तब ए नंद कहां थोरे, उदो ए नंद कित्थे सी, भाव कित्थे भी नहीं सी। ए तां धरती आकाश तो बाद विच मनुख बनिया, मनुख तो बाद ए नंद बनिया, नंद दा पुत्र बन गया। पर गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे ए भी देखो ना, जदों धरती आकाश ही नहीं सी उदो कौन सी, उदो सी एक परमेश्वर, उदों सी एक वाहेगुरु, ना दिन रहन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएगा, उदों वो सुन समाद अफर अवस्था विच परमात्मा दे उदों भी सी। इस करके सिख नूं क्या सिखा, तू उस नाल जुड़ना जिहड़ा आग तो है, जिहड़ा धरती आकाश तो भी पहला तो है, ये देवी ये देवते ये पीर ये पैगंबर ये धरती ये आकाश ये बाद की गल है, ये तो बाद विच बने हुए है। तू तो उस नाल जुड़ना है जिहड़ा सब तो पहला है, आद जिहड़ा आद तो है, आरंभता तो है, शुरुआत तो है, वो है एक परमेश्वर एक वाहिगुरु। नाम कुछ भी हो सकता है, वो तो कीर्तम नाम ने असी रखे हुए हैं मनुख ने, यह ध्यान रखना है। सिख जदों भी देखता है ना वो आरंभता देखता है, इस करके एक स्टेप नहीं पिछे मुड़ना, फिर होर मुड़ को पिछे थोड़ा जो उसको भी अगे चले जाओ, तो गल अख
अखीर जाके इत्थे बनेगी भी सारे परमात्मा विच्चों पैदा हुई है, सारे एक नूर ते सब जग उपजिया, सारे एक नूर तो ही पैदा हुए। अखीर ते गल इत्थों निकलनी है भी इत्थे हिंदू कित्थों आए, सिख कित्थों आए, मुसलमान कित्थों आए, गल ही मिट जानी है गुरमुख, गल मिट जानी है। तो आदि पुरख आदेश, गुरु नानक साहब पातशाह कहिंदे आदेश है, नमस्कार है उस आदि पुरख नूं, उस सर्व व्यापक परमेश्वर नूं जिहड़ा सब तों आरंभता तों है, मुढ तों है। आदि वखाणिया जिहनूं आदि तों ही वख्याण कीता जांदा है, कहा जांदा है। सो सतगुर सच्चा वेस शब्द संजाणिया, सो सतगुर सच्चा वेस, सच्चे सतगुरु दे वेस दे विच भी उह परमेश्वर आप ही है। सतगुरु भी किहदा वेस है, सो दा अर्थ है ओ, सो सतगुर सच्चा वेस, सतगुरु भी उस सच्चे परमेश्वर दा ही रूप है, वेस है। सतगुरु कोई वखरा नहीं है। शब्द संयाणिया, सतगुरु ने उस परमेश्वर दे शब्द नूं संजाणिया दा अर्थ है समझ लिया है। इत्थे शब्द दा अर्थ है हुक्म, शब्द दा अर्थ की बनेगा इत्थे हुक्म। सतगुरु उस परमेश्वर दा ही रूप है, सतगुरु ने उस परमेश्वर दे हुक्म नूं संजाणिया है, पछाणिया है, समझिया है। इस करके सतगुरु जी सानू भी तां ही कहिंदे ने उहदे हुक्म नूं समझ, सानू भी तां गुरु यही कहिंदे उहदे बाणी नूं समझ, क्योंकि सतगुरु जी ने आप खुद भी उस परमेश्वर दे हुक्म नूं समझिया है, मन्निया है। सो सतगुर सच्चा वेस शब्द संयाणिया, शब्द सुरत उपदेश सच समाणिया। सच समाणिया दा अर्थ है सच विच समा जाना, लीन हो जाना। जदों सतगुरु जी सानू उपदेश दिंदे ने, सच विच लीन किवें होया जाएगा, उस वाहिगुरु परमेश्वर दे विच लीन किवें होना है। लीन होने दा अर्थ है द्वैत एक रूप होए गए, दो तो एक हो जाना, ये मकसद है। दो नहीं रहना, छोटे छोटे नाले ने ना, छोटिया छोटिया नदियां ने, गुरमुखो समा पा के सुक जांदियां ने, खत्म हो जांदियां ने। दुनिया उत्ते सैकड़े ऐसे नदियां ने जिहड़ियां असीं कहिंदे सुक गईआं, हुंदी सी जी नदी इत्थे वगदी सी। सिख इतिहास की बहुत वड्डी मशहूर नदी है सरसा नदी, अज है कि नहीं दिखती, खत्म हो गई समय के नाल। दुनिया के बहुत नाले ने खत्म हो जाते, पर कदे सुनिया भी समुद्र खत्म हो गया, कदे सुनिया भी समुद्र खत्म नहीं हो ही नहीं सकता। इस करके सतगुरु पातशाह कहिंदे भाई तू नदी नहीं रहना, नदी कली टुट जाएगी ते खत्म हो जाएगी, सुक जाएगी, पर हौली नदी चलती चलती समुंदर तक पहुँच जाएगी, उस समुंदर च डिग पवेगी, समुंदर दा रूप हो जाएगी, फिर उहदे तो खतरा टल जाएगा भी सुक भी सकती है। ये थोड़ा सुखना है, जिहड़ी नदी समुंदर च लीन हो गई गुरमुखो, उन्हें कित्थे सुकना है। गुरु तेग बहादुर साहब ने ही कहा ना, गुर कृपा जेह नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद सिंह। हे नानक, जिन्हां ने जुगत नूं पछाण लिया वह लीन हो जाते ने गोबिंद परमेश्वर दे नाल। कितना लीन हो जाते ने, ज्यों पानी संघ
पानी जिमें नदी का पानी समुद्र डिग के वह रूप ही हो जाता है, इस तरह भाई उन्होंने जप के वह रूप होया जा सकता है। ये सानू शब्द सुरत उपदेश तीसरा बचन शब्द सुरत उपदेश सच समाणिया सतजे विच समावण की जिहड़ी जुगत है ये सानू गुरु ने बख्शी है। शब्द सुरत शब्द सुरत दे नाल शब्द विच जुड़ के उस परमात्मा विच समाया जा सकता है। ये उपदेश सानू सतगुरु ने दिता है। साध संगत सच देश घर परवाणिया अगला बचन कहन लगे दुनिया के लोगों ने कोल बैठे गुरसिखा ने भाई गुरदास साहब कोलों पूछया हे भाई जी केड़ा ऐसा देश है जिहड़ा परमेश्वर ने सानू बख्शिया है, केड़ा ऐसी थां है जिहड़ी थां सानू गुरु ने बख्शी है, किहड़ी थां उत्ते बैठ के उस परमेश्वर नू ध्याया जा सकदा है, किहड़ा ऐसा घर है जिहड़ा उस वाहिगुरु परमेश्वर ने प्रवान किया है। प्रवान का अर्थ है प्रमाणित किया है, मानता दिती है। तो भाई गुरदास साहब कहिंदे साध संगत सच देश, देश का अर्थ है स्थान, इस देश का की अर्थ बनेगा स्थान, साध संगत ही वो स्थान है वो थां है जिथे गुरमुखो सच नूं ध्याया जा सकता है। एक परमेश्वर नूं ध्याउण दी कीड़ी थां है साध संगत गुरु की संगत, क्योंकि गुरु की संगत विच एक दा ही वख्याण हुंदा है सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे केवल एक दा ही वख्याण हुंदा है एक दी महिमा हुंदी है। क्यों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी ने कहा सिख भी आ सकता है हिंदू भी आ सकता है जैनी भी आ सकता है बोधी भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि गल ही एक दी होनी है, सारे एक नूं ही ध्याउंदे ने, वो तो गल वक्खरी है ना। गुरु पातशाह ने कहा कोई बोले राम राम कोई खुदाए, वो तो बोलण दी गल है भी तू राम दे नाम 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 ना बोलदा मैं खुदा दे नाम ना बोलदा, वो तो नाम ही वक्रे ने ना। जिमें एक बच्चे दादी कुछ होर कहती है नानी कुछ होर कहती है, बच्चे के नाम ही बाले होंगे, वड्डा हो जाता सारे उन्होंने वक्रा कहते हैं। मैनू याद है मेरी दादी सारे पोतों के नाम वक् वक् रखती होंगी सी, उन्हें सब तो वक्रे रखने ना, नूं व्याह के लियानी उन्हें कहना मैं तो अपना ना रखांगी, हुंदा सी पुराने समय च, पर उहदे नाल बंदा थोड़ा बदलदा सी, इह थोड़ा भी बच्चा बच्चा तो उही रह गया, नाम कोई भी रख लो। गुरु पातशाह कहिंदे जे नाम रखण वक्खो वक्खरे होण दे नाल एक बंदा नहीं बदलदा ते वक्खो वक्खरे नाम रखण नाल रब किवें बदल जाएगा, उहने तां उही रहणा कोई नाम रख लो, इह तां किरतम नाम है कथे तेरे जिहवा, इह तां सारे परमात्मा दे किरतम नाम ने जुबान कथन करी जांदी है। तो पातशाह कहिंदे साध संगत सच देश, साध संगत ही एक ऐसा सदीवी स्थान है जिथे बैठ के एक ओंकार की आराधना की जाती है। घर परवाणिया ये साध संगत रूपी जिहड़ा घर है ना, परवाणिया का अर्थ है प्रमाणक है, यह प्रमाणक ही हुंदा मानता प्राप्त, ये प्रमाणक है गुरु के वलों, भाई साध संगत प्रमाणक है गुरु के वलों, ये सच नूं जपण की थां है। प्रेम भगत आवेश, आवेश का अर्थ हुंदा प्रवेश हो के इस साध संगत दे विच भगत वछल, भगत वछल अर्थ हुंदा भगती नूं प्यार करन वाले, भगत वछल ना परमात्मा का नाम भी है, परमेश्वर नूं भी भगत वछल कहा जाता है,
वछल हुंदा प्रेम करना। भगत वछल प्रवेश, जिहड़े भाई भगती नूं प्यार करन वाले हुंदे आ, सिमरन करन वाले हुंदे आ, ओह इस साध संगत विच प्रवेश करदे हन, आउंदे हन। माण निमाणिया ते नमाणे हो के फिर वह माण प्राप्त करते हैं। इस साध संगत नमाणिया दे माण दी थां है। ब्रह्मा विष्णु महेश अंत न जाणिया, बड़े ध्यान समझी बच्चा। भाई गुरदास साहब कहिंदे जिस आदि पुरख परमेश्वर का असी साध संगत विच बैठ के सिमरन करते हाँ, सतसंगत विच बैठ के जिस दे गुणा नूं गाउंदे हाँ, ते भाई गुरदास साहिब कहिंदे भाई इह गल सदा चेते विच रखिए, उहदा अंत नहीं जाणिया जा सकदा। इह गुरमुखो पुराने समें दे विच सानूं ऐसा मिलदा है कि धर्म दी दुनिया दे लोक रब दे अंत पाउण वल तुर पैंदे सन। गुरु ग्रंथ साहब ने सानू इस गल तो हटा दिता। गुरु पातशाह ने वार वार किया नहीं, आदेश बाबा आदेश, आदि पुरख तेरा अंत ना पाया, तू कर कर देखें वेस तेरा, हे प्रभु तेरा अंत किसी ने नहीं पाया। गुरु अर्जन साहब पातशाह कहिंदे ने महिमा ना जाने वेद, ब्रह्मा ना जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। उहदा ते अंत ही कोई, अंत तो बिना है। मैं दा की अर्थ है, अंत रहत, बिना है अंत तो, अंत ही नहीं कोई उहदा। सतगुरु पातशाह कहिंदे वेदां ने उहदी महिमा नूं नहीं जाणिया, किन्नी महिमा वेदां दे विच पर पूरी नहीं हो सकती। जिसनों कहा जाता है ये सृष्टि का रचनकारा ब्रह्म है, वह ब्रह्मा ने भी उहदे भेद नूं उहदे अंत नूं नहीं जाणिया। ब्रह्मा ना जाने भेद, नहीं जाण सकिया। गुरु नानक साहब ने ते गुरमुख इत्थों तक कहा, गुरु नानक साहब पातशाह कहिंदे भाई ये गल हिरदे दे विच वसा लवो कि जिस ब्रह्मा दे असी वेदा नूं मिठे बचना दे राही असी पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, महिमा गाने, उस ब्रह्मा की रच वेदा की रचना करन वाले ब्रह्मा ने भी रब नूं नहीं जाणिया। इस करके जी ब्रह्मा ने नहीं जाणिया तो तू कित्थों जाण लवेगा, फिर तोरी ना उस पासे, फिर की करिए। पातशाह कहिंदे उहदे विच समाउणा किवें आ इह वेख, उहनूं सिमरना किवें आ तूं इहदे वल चल, उहदे विच लीन किवें होणा तूं इहदे वल चल, उहदे अंत लभण वल ना चल। समुंदर दा अंत नहीं लभिया जा सकीदा, उहदे विच समाया जा सकीदा, उहदे विच लीन होया जा सकीदा। गुरु ने सानूं रब दा अंत लभण वाले पासे तोरिया ही नहीं, गुरमुख नहीं तोरिया। गुरु पातशाह ने कहा तू ये देख लीन किवें होना है, समाउणा किवें आ उहदे विच। इस करके ब्रह्मा विष्णु महेश अंत ना जाने, और सच है ना गुरु दे अंत नूं पाया जा सकता है, ना परमेश्वर दे अंत नूं पाया जा सकता है, असंभव है ये गल। अंत होवेगा तो लभेगा ना, सुख ही कर लो आप भी, अंत होगा तो लगेगा, अंत है ही नहीं कितों लभ लेंगे। समझना है, उन्होंने सिमरन वाले पास करना है। गुर परमेश्वर नहीं समझा जा सकता, उहदियां इन्नियां रमजा ने इस बाहर ने साडे वस, उन्होंने जपण वाले पास, लीन होने वाले पास करना। पातशाह कहिंदे ब्रह्मा विष्णु महेश अंत ना जाणिया, एक एक वचन बाबा कबीर साहब ने भी कहा ना, सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। मर्म कहिंदे ने भेद नूं, तेरे भेद नूं नहीं जाणिया।
ना ब्रह्मा ने जानिया ना उदे पुत्रा ने जानिया महेश दा अर्थ है शिव ना शिव ने जानिया ना हजारां फणा वाले शेषनाग ने जानिया तू की कर लेगा हजारां जीबां वाले शेषनाग ने नहीं जानिया तेरी तां जबान ही इक है क्यों तुरे उस पासे समझ लईए किदां दा है जी रब किवें दा नहीं पता लगना ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਿਮਰ ਸਹਿ ਸੁਫਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਲ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਮਰ ਦਾ ਹੈ ਸਹਿ ਸੁਫਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਣ ਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰ ਸਹਿ ਸੁਫਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਤਿਲ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਛਾਣਨੀ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਾਂਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਾਂਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਜਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਾਂਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਾਂਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾਂਦ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਝੜ ਆਵੇ ਧੁੱਪ ਆਵੇ ਛਾਂ ਆਵੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਰਾਂਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਜਰਾਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਉਣ ਬਰਿਆਈਆਂ ਆਉਣ ਧੁੱਪ ਆਵੇ ਛਾਂ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਰਾਂਦ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਝੜ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛਾਂ ਆਈ ਹੈ ਧੁੱਪ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਜਰਾਂਦ ਇਹ ਦਰਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸੁਹਾਣੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਟਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਜਰਾਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸੱਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।